हरियाणा प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान के दिन भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बवाल मच रहा। एक तरफ जहां विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन शांतिपूर्वक मतदान करवाने के लिए प्रक्रिया को चालू रखे हुए है, भारी सुरक्षा बल के बीच कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी तरफ छात्र संघ चुनाव का बहिष्कार और विरोध करने वाले प्रेमियों संगठन सुबह से ही विरोध करने पर उतरे हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने विरोध करने वाले 80 छात्रों को हिरासत में लिया और उनको विश्वविद्यालय में घुसने से रोका। विरोध करने वाले छात्र संगठन विश्वविद्यालय की सड़क पर धरना देकर बैठे रहे, नारेबाजी करते रहे। भारी सुरक्षा बल ने उनको विश्वविद्यालय में जाने की इजाजत नहीं दी और आखिर छात्र छात्राओं को हिरासत में ले लिया गया। छात्र नेताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को स्टूडेंट काउंसलिंग में बैठाना चाहती है और यह लोकतंत्र की हत्या है। प्रशासन और पुलिस प्रशासन अपनी मनमर्जी कर रहा है। एबीवीपी संगठन को समर्थन करने वाले लोगों को अंदर खुलेआम घूमने दिया जा रहा है, जबकि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मुर्दाबाद, 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 प्रत्यक्ष चुनाव बंद करो। ऐसा है सरकार, सरकार ये आपको फर्जी चुनाव घोषित करते हैं। ये चुनाव नहीं है, ये एबीवीपी को स्थापित करने की सरकार की चाल है और हम सरकार को कामयाब नहीं होने। कितने छात्रों के रास्ते में आज यहाँ पर 200 छात्रों ने गिरफ्तारी दी है और बाकी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में बैठे अपना धरना दे रहे हैं। तो सरकार को खुली चेतावनी है, आप जितनी मर्जी लाठियां बाजो, जितनी मर्जी गिरफ्तारी करो, स्टूडेंट पीछे हटने वाला नहीं। जब पूरे पुलिस प्रशासन से इस घटनाक्रम पर मीडिया ने बातचीत की तो मौके पर मौजूद डीएसपी गुरमेल सिंह और अन्य पुलिस अधिकारियों ने कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया। देश के अंदर प्रत्यक्ष छात्र संघर्ष समिति की तरफ से इन चुनाव का बायकॉट करते हुए विरोध प्रदर्शन पूरे हरियाणा के अंदर जारी है। सरकार जो प्रदेश की है अपने छात्र संगठन को एबीवीपी को स्थापित करने के लिए इनडायरेक्ट रूप से चुनाव करवा रही है पूरे प्रदेश के अंदर। इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, अनेकों जगह पर गिरफ्तारियाँ, लाठीचार्ज, अनेकों तरह के सरकार रिप्रेशन स्टूडेंट्स भी कर रही है। इसके खिलाफ हम लोगों ने भी आज यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट के अंदर गिरफ्तारियाँ दी गई और अभी हम लोग दोबारा से यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री करें और ये मांग कर रहे हैं कि जो सरकार इस बात को लेकर भी हाईकोर्ट के अंदर भी एक डाली गई है कि सरकार जिस रूप से चुनाव करवा रही है ये किसी भी रूप से एक डेमोक्रेटिक देश के अंदर नहीं हो सकता। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को रोका जाए, इस बात को लेकर हम लोग आंदोलन के अंदर अभी यहाँ पे धरना देके बैठे हुए हैं और ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा जब तक सरकार प्रत्यक्ष चुनाव बहाल नहीं करती इस मांग को लेकर।